जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए, चाहे बेटा कितना लाडला हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर कोई चाहता है कि उसके पास रहने के लिए एक अच्छा और सुंदर घर हो, पहनने के लिए अच्छा वस्त्र हो, खाने के लिए अच्छा भोजन हो। हमारे हिंदू सनातन धर्म में कहा गया है कि समस्याएं हैं तो समाधान भी हैं, ग्रह अगर खराब हैं तो उनके निदान भी हैं। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक ऐसा उपाय जो आपकी बड़ी से बड़ी गरीबी को मिटा सकता है। हमारे पास बहुत सारे भक्तों के कमेंट आते हैं कि शास्त्री जी, घर की सुख समृद्धि के लिए उपाय आप बताएं, ऐसे कार्य आप बताएं जिनको करने पर हमारे घर में हमेशा पैसा टिका रहे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास ये सभी सुख सुविधाएं हों तो आज का यह एपिसोड आपको पूरा जरूर देखना चाहिए। नमस्कार, मैं पंडित नीति शास्त्री ज्योतिष मिराकल पर आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूं। प्यारे बंधुजनों, जैसा कि आपने एपिसोड के टीजर में देख लिया है कि सुबह उठकर थोड़ा दूध डाल दें, यहां पर कोठी बंगला नौकर सब होगा। तो कई सारे भक्तों के कमेंट आते हैं, शास्त्री जी क्या वाकई में ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है, लेकिन उन लोगों के लिए जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, जो मेहनत करके पैसा कमाने में विश्वास रखते हैं। मैं आपको हर एपिसोड में ये जरूर बताता हूं कि जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि उस उपाय को करने के बाद कहीं पेड़ से पैसे बरसने लग जाएंगे, बिल्कुल गलत। उपाय हम इसलिए करते हैं कि हमारा जो ग्रह खराब है, हमारी ऊपर अगर किसी ग्रह की क्रूर दृष्टि है उसको शांत करने के लिए हम उपाय करते हैं। अगर आप मेहनत नहीं करते और सोचते हैं कि पंडित जी ने उपाय बता दिया, बस इस उपाय को कर लें और अब हम लखपति बन जाएं, तो ऐसा कभी भी संभव नहीं है। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, कर्मण्यधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूमो। अर्थात जो वीर पुरुष है, जो मेहनती है, उसको अपने जीवन में कभी भी गरीबी नहीं देखनी पड़ती। जो नकारा है, जो कामचोर है, जो सोचता है कि बिना कुछ किए मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। तो साथ साथ मेहनत करते रहें और उपाय करते रहें, प्रभु की कृपा से आपको सारे सुख वैभव प्राप्त होते रहेंगे। तो प्यारे बंधुजनों, चलिए अब मैं आपको बताऊंगा आज का उपाय। बड़े ध्यान से आपने सुनना है क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए उपाय लेकर के आते हैं। उपाय जितना ज्यादा आप मन से करेंगे उतना ही जल्द उपाय का रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। उपाय मैं आपको बताऊं उससे पहले हाथ जोड़ करके मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर जानकारी पसंद आएगी, अगर एपिसोड पसंद आएगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर करेंगे ताकि महत्वपूर्ण जानकारी अन्य भक्तों तक भी पहुंच सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज उपाय। जय माता की।
प्यारे बंधुजनों, ये उपाय आपने शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार से शुरू करना है। सोमवार के दिन सुबह नहा धोकर शुद्ध होने के पश्चात एक स्टील के लोटे में आपने कम से कम 40 ग्राम कच्चा दूध गाय का ये लेना है। उसमें थोड़े काले तिल आप डाल लेंगे। अब आपने इस दूध को पीपल के वृक्ष की जड़ में चढ़ाना है। सोमवार से उपाय शुरू करना है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, शनिवार तक। रविवार को ये उपाय नहीं करना है। लगातार ये उपाय 4 सप्ताह आपने करना है। बीच में से रविवार का दिन निकाल देना है। हर सुबह नहा धोकर के 40 ग्राम दूध में थोड़े काले तेल डालकर पीपल के पेड़ की जड़ में आपने चढ़ाने हैं सुबह के टाइम। प्यारे बंधुजनों, आप सभी को पता है कि हमारे हिंदू धर्म में पीपल को साक्षात ब्रह्मा, विष्णु, महेश का स्थान कहा गया है। पीपल के पेड़ की पूजा करने से पितर देवता भी प्रसन्न होते हैं और पीपल के पेड़ को ब्रह्म वृक्ष भी कहा जाता है, अर्थात ब्रह्मा की संज्ञा दी गई है जिन्होंने सृष्टि की रचना की है। ब्रह्मा ही कर्ता धर्ता है। तो अगर आप लगातार 4 सप्ताह इस उपाय को निरंतर रूप से करेंगे, बीच में केवल संडे का दिन आपने छोड़ना है, अन्य कोई भी दिन आपने नहीं छोड़ना है। आपके ऊपर कोई भी कष्ट है, किसी भी तरह का कोई आपकी दिक्कत है, कोई भी आपकी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, इस उपाय को करने के तुरंत बाद आपको इसका परिणाम प्राप्त होगा और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी शीघ्र अतिशीघ्र कुछ ही दिनों में पूर्ण होगी। प्यारे बंधुजनों, भगवान में आस्था रखकर सच्चे मन से इस उपाय को करें, बहुत जल्द रिजल्ट आपके सामने होंगे। तो आशा करता हूँ आज का यह एपिसोड आपको बेहद पसंद आएगा। अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे मुलाकात करेंगे कल किसी नए इंटरेस्टिंग विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी वक्त हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। जय माता की।